हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कुछ पल भक्ति के। आज फिर आपके सामने आई हूँ भगवान की एक नई कहानी के साथ, भगवान के प्रति जो हमारे विश्वास को और बढ़ाती है। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये है एक व्यापारी की। बहुत धनी व्यापारी था, भगवान में उतनी ही उसकी आस्था थी, खूब पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी पत्नी भगवान की पूजा से उतना ही दूर रहती थी। जब भी व्यापारी बाहर जाता, वो पीछे से पूजा पाठ करती ही नहीं थी, व्यापारी को दिखाने के लिए कुछ देर भगवान की पूजा करती। व्यापारी बाहर गया, कुछ दिन बाद वापस आया तो एक छोटे से कान्हा जी को अपने साथ ले आया और अपनी पत्नी को देते हुए बोला कि ये लो, ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, इनकी सेवा करना, इनका ध्यान रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे तुम अपने पुत्र को नहलाती हो, खिलाती हो, वस्त्र पहनाती हो, अच्छे अच्छे खाने बनाती हो उसके लिए, वैसे ही अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना। मैं ज़्यादा दिन घर पे नहीं रह पाता, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। उसने हाँ करके लड्डू गोपाल को तो ले लिया और अब मन में सोचा कि इतना ध्यान मैं इनका रखूँगी, मैं अपने पुत्र का ना रख लूँ। ये सोच के उसने व्यापारी के घर से जाते ही लड्डू गोपाल को अपने आंगन में मिट्टी में दबा दिया और निश्चिंत हो गई कि अब मेरे को ये काम नहीं करना पड़ेगा। दिन बीते, व्यापारी वापस आया। वापस आते ही उसने अपने घर के मंदिर में देखा कि लड्डू गोपाल तो है ही नहीं। उसने गुस्सा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि लड्डू गोपाल कहाँ है। वो घबरा गई और तुरंत बोली, मुझे लगता है लड्डू गोपाल किसी ने चुरा लिए, मैं अभी ढूंढती हूँ, आप चिंता मत करिए। ये सोचते हुए घर के आंगन में गई कि अब मैं कैसे बताऊँ इन्हें। तभी उसकी नज़र अपने घर के माली पे पड़ी। उसने माली को बुलाया और कहा, इस जगह को जल्दी खोदो और लड्डू गोपाल बाहर निकालो। माली ने यही किया और लड्डू गोपाल अपने हाथों में मिट्टी से सने हुए निकाल लिए। तभी व्यापारी बाहर आ गया। उसने पूछा, ये क्या लड्डू गोपाल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं। इस पर माली कुछ बोलता, इससे पहले ही मालकिन बोल पड़ी, देखा मैंने कहा था ना, ये लड्डू गोपाल किसी ने चुराए हैं, यही है वो माली जिसने हमारे लड्डू गोपाल को चुरा के जमीन में दबा दिया था और देखो अब निकाल लिया। माली बेचारा सोचता रहा कि ये मालकिन क्या कह रही है, मैंने तो इनके कहने से ये सब किया। मालिक बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहते हुए उसने कहा कि नौकरी से निकल जाओ और कल से हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। मालिक जो था वह गुस्से में वहाँ से चला गया और मालकिन खड़ी होकर माली को देखती रही और बोली, सुना नहीं तुमने क्या बोले तुम्हारे मालिक, जाओ यहाँ से। वो बेचारा उदास मन से जाने लगा और जाते जाते लड्डू गोपाल अपनी मालकिन को देने लगा। इस पर मालकिन बोली, इसे भी अपने साथ ले जाओ, हम इनका क्या करेंगे अब। वो बेचारा उदास मन से लड्डू गोपाल को हाथों में लेकर चला गया। घर पहुँचा, पत्नी ने देखा कि ये इतनी जल्दी आ गए। वो बोली, आज आप इतनी जल्दी, क्या बात है। उसने उदास मन से सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने हिम्मत बंधाते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, हम अपने घर के बगीचे में फूल उगाएंगे और उन्हें बाज़ार में बेच के जो पैसे मिलेंगे हम उससे गुजारा कर लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके हाथों में लड्डू गोपाल को देखते हुए वो बोली कि ये क्या। उसने कहा कि मालकिन ने कहा कि ये भी जाते जाते अपने साथ ले जाओ, तो मैंने अपने साथ ले आया। तो वो बोली कि लाइए ये लड्डू गोपाल मुझे दीजिए, हमारे कोई संतान नहीं है ना, तो देखिए लड्डू गोपाल खुद हमारे घर आ गए, इन्हें मैं अपने पुत्र की तरह ही खूब लाड प्यार दूंगी, इनकी पूरी सेवा एक बेटे की तरह करूंगी। ये कहते हुए उसने लड्डू गोपाल पे लगी मिट्टी को अपने घर के आंगन में झाड़ दिया और लड्डू गोपाल को स्नान करा के, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के अपने मंदिर में बिठा दिया। अब रोज उनकी एक बेटे की तरह सेवा करने लगी। अब उन्होंने निश्चय किया था कि हम अपने घर के बगीचे में ही फूल उगाएंगे, तो जहाँ लड्डू गोपाल की वो मिट्टी झड़ी थी ना, वो जगह इतनी फली उन्हें कि जो उन्होंने फूल लगाए वो इतने खूबसूरत उगे कि लोग देख के हैरान होते थे कि तुम्होंने इतने खूबसूरत फूल उगाए हैं कैसे। उनके पास इसका जवाब नहीं था, वो खुद हैरान थे कि इतने खूबसूरत फूल तो हमने खुद कभी नहीं देखे। और वो बेचने जाते तो तुरंत उनके सारे फूल बिक जाते। उनका काम बढ़ता गया बढ़ता गया, रोज अच्छे अच्छे फूल उगते और उन्हें बाज़ार में बेचते और उन्हें बहुत अच्छे दाम मिलते। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक फूलों की दुकान खोल ली। काम बढ़ता गया, धन धान्य से वो पूर्ण हो गए। उसकी पत्नी पूरे भाव से अपने लड्डू गोपाल अपने बेटे की सेवा करती, उन्हें लाड करती, उन्हें खिलाती, लोरी सुनाती, सुलाती। समय बीतता गया बीतता गया, सालों साल बीत गए। एक दिन उनके द्वार पे एक बुज़ुर्ग महिला रोटी मांगती हुई आई। माली ने कहा कि जाओ देखो कोई मांग रहा है कुछ खाने को, तो उसे दे आओ।
उसकी पत्नी गई। देखा जैसे ही उसके हाथ में रोटी देने लगी वो औरत बेहोश होकर गिर गई। उसने जल्दी से माली को बुलाया। उसका पति आया, उसने थोड़ा सा पानी लिया, उसके मुंह पे छींटे मारे, वो होश में आई। उन्होंने उसे बिठाया और उसकी पत्नी ने उसके मुंह में रोटी सब्जी डाली, उसे थोड़ा सा आराम मिला। माली को देखते ही वो औरत तुरंत बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। माली हैरान कि ये औरत कौन है, मैं इसे नहीं पहचानता, ये मुझसे माफ़ी मांग रही है। वो बोली, आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं वही महिला हूँ जिसने आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, आपको नौकरी से अपने घर से निकलवाया था। माली को वो किस्सा याद आ गया जो सालों पहले उसके साथ हुआ था। उसने कहा, मुझे उसकी सज़ा मिली, कुछ सालों बाद ही मेरे पति भगवान को प्यारे हो गए। जिस बेटे के लिए मैंने लड्डू गोपाल की सेवा को त्यागा था, अपने बेटे को समय देती थी, लड्डू गोपाल को मैंने एक किनारे कर दिया था, उस बेटे ने बड़े होकर धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं सड़कों पर भीख मांगती हूँ और उससे अपना गुजारा करती हूँ। आप कृपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिली है। माली बहुत बड़े मन का इंसान था, उसने उसे तुरंत माफ़ कर दिया और बोला, आपको अब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपकी किस्मत में जो लिखा था वो आपके साथ हुआ, आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, लेकिन आपने जो लड्डू गोपाल हमें दिए थे ना, वो आज भी हमारे घर में हमारे बेटे के तरह हमारे साथ रहते हैं। आप चाहें तो आप भी उनको अपना बेटा मान के उनकी सेवा कर सकते हैं जो आप उस समय नहीं कर पाई थी। इस सांसारिक बेटे ने तो आपको त्याग दिया लेकिन एक बेटा आपका और है, आप चाहें तो यहाँ हमारे साथ रहिए, उसकी सेवा करिए। वो तैयार हो गई। उसने अपना सारा जीवन लड्डू गोपाल की सेवा करने में, जैसे जैसे उसकी पत्नी लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह लाड करती थी ना, वैसे ही वही औरत करने लग गई। और सच मानिए उसको इतनी खुशी मिली जितनी उसको अपने बेटे के साथ बिताए हुए जीवन में नहीं मिली थी। जो उसके चेहरे की उदासी थी ना, दिन ब दिन खुशी में बदलती गई। उसका समय कैसे बीतता गया, उसका बुढ़ापा कैसे बीतता गया, उसको पता ही नहीं चला। उसे बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे एक बेटा अपनी माँ को लाड देता है ना, वैसे ही लड्डू गोपाल उसका ध्यान भी रखते हैं। उसको उस घर में कोई कमी नहीं हुई। वो लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती, अपना समय बचता वो भजन में बिताती। इस तरह लड्डू गोपाल की सेवा करते 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 एक दिन उसके प्राण लड्डू गोपाल के चरणों में बैठे हुए ही निकल गए। कहते हैं ना, हम जिस भाव से भगवान को अपनाते हैं ना, भगवान भी हमारे प्रति वही भाव रखते हैं। आप पिता के भाव से देखिए, वो आपको एक पिता की तरह नजर आएंगे। बेटे की तरह देखिए, बेटे की तरह नजर आएंगे। किसी देवी को मानते हैं, एक माँ का भाव रखिए, वो आपको माँ नजर आएंगी। बहन का भाव रखिए तो एक सखी की तरह आपको नजर आएंगी। निर्भर करता है कि हम किस भाव से उनको भजते हैं, पुकारते हैं, उन्हें याद करते हैं। वही भाव वो हमारे प्रति रखकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। तो कैसी लगी आज की आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।